A very good morning, children. As you all know that your school has started online classes for you. So, I am Vivek Mishra, teacher of English in Bachpan Play School and PATHSHALA and Academy, have brought a video for you by which you can study English and utilize your time. So, in this video, we will be learning the first chapter of English Reader. Here you can see on your screen, first chapter of English Reader, yani English Reader ka first chapter hum padhne wale hain. The name of the chapter is The Unique Sacrifice. Kya naam hai iska? The Unique Sacrifice. So let us understand what is the meaning of unique. Unique ka kya matlab hota hai aur sacrifice ka kya matlab hota hai. Unique ka matlab hota hai different from all, different from others, yani baki sab se alag, जो बिल्कुल अलग हटके होता है, एकदम अलग होता है, उसको बोलते हैं यूनिक. सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस का मतलब होता है त्याग, बलिदान करना या परित्याग करना. ठीक है, तो कोई एक अनोखा या कुछ अलग हटके किसी ने बलिदान दिया या परित्याग किया है या त्याग किया है, उसके बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा. ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं. Name some persons who sacrificed their lives for the nation. क्या लिखा है? Name some persons who sacrificed their lives for the nation. Nation का मतलब क्या होता है? राष्ट्र. जैसे हमारा देश, हमारा इंडिया, हमारा क्या है? राष्ट्र है. तो ऐसे लोगों के कुछ नाम बताने जिन्होंने अपने देश के लिए यानी अपने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया. ठीक है, अपनी जीवन का बलिदान दिया. तो वो कोई भी हो सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, सोल्जर्स हो सकते हैं, या कोई साइंटिस्ट हो सकते हैं. कोई भी ऐसे लोग जिन्होंने अपने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, उनके आपको नाम मेंशन करने हैं. ठीक है, आप रफ कॉपी में उनके नाम लिखिएगा. और दूसरा क्वेश्चन ये है, व्हाई डिड दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स. उन्होंने अपने जीवन का बलिदान क्यों दिया? भाई जीवन का बलिदान तो दे दिया, यानी उनकी मृत्यु तो हुई, लेकिन किस वजह से हुई, क्यों उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया. तो ये दोनों बातें आपको रफ कॉपी में लिखनी है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस. आर कंट्री हैज ऑलवेज रिमेन्ड अ टॉर्च बियरर इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ. क्या लिखा हुआ है? आर कंट्री हैज ऑलवेज रिमेन्ड अ टॉर्च बियरर इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ. तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं. ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा, वेन एवर यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वोकेबलरी फर्स्ट. आपको सबसे पहले वोकेबलरी, जो वर्ड्स होते हैं, उनकी मीनिंग पता होने चाहिए, तो आप आराम से सेंटेंस पैसेज को समझ सकते हैं. तो यहाँ पर आर कंट्री हैज़ ऑलवेज, ये आपको पता है, रिमेन्ड अ टॉर्च बियरर क्या होता है? देखिए, टॉर्च बियरर का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, यानि वो देश या वो व्यक्ति या वो पर्सनैलिटी जो लीडर का काम करते हैं. ठीक है, पथ का प्रदर्शक करते हैं, जो उनको बोलते हैं हम टॉर्च बियरर. ठीक है, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी के हर पड़ाव में हमारा जो देश है इंडिया यानी कि हिंदुस्तान, वो हमेशा से क्या रोल प्ले करता हुआ है? टॉर्च बियरर, यानी एक लीडर की भूमिका निभाता हुआ आया है. आगे देखते हैं. The world is busy today. क्या लिखा है? The world is busy today. यानी हमारी जो पूरी दुनिया है वो आजकल बिजी है. क्या कारण है? Striving hard to save the nature, whereas we have been the worshippers of trees since ages. यानी जो पूरी दुनिया बिजी है वो किस में बिजी है? नेचर को बचाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उनमें व्यस्त है पूरी दुनिया. स्ट्राइविंग का मतलब होता है एफर्ट्स, यानी प्रयास. ठीक है, अभी मैं आपको वर्ड मीनिंग भी और एक बार दिखा दूंगा, हिंदी से इंग्लिश में भी और इंग्लिश टू इंग्लिश भी कर लेंगे, जिससे कि और आपको इजीली समझ में आ जाए, और उसकी पिक्स भी हम आपको भेज देंगे. ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, पूरी दुनिया किस में बिजी है? सब नेचर को यानी प्रकृति को बचाने में लगे हुए हैं. ठीक है, पेड़ पौधे और भी बहुत सारी ऐसे प्राकृतिक चीज़ें हैं, तो उनको बचाने में लगे हुए हैं, जबकि
हम जो हैं इंडियंस जो हैं वो हमेशा से क्या करते आए हैं, पूजा पाठ करते आए हैं पेड़ों की। जैसे पीपल का वृक्ष होता है उसकी पूजा करते हैं, तुलसी का पौधा है उसकी पूजा करते हैं, और भी कई सारे पेड़ हैं तो उनकी हम पूजा करते हुए आए हैं। वॉट फॉलोज इज़ अ फेमस स्टोरी अबाउट अ स्मॉल विलेज खेजड़ली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जोधपुर। डिस्ट्रिक्ट जोधपुर में एक गाँव है छोटा सा जिसका नाम क्या है, खेजड़ली। तो वहाँ की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है और उसी कहानी के बारे में इस चैप्टर में दे रखा है। तो जब हम आगे पढ़ेंगे, आज बस इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, वी आर हैविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। बट उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें इस कहानी को समझना शुरू करेंगे। तो बहुत अच्छी कहानी है जो आपको प्रेरित करेगी और आपको मज़ा आएगा उस कहानी को सुनने में, ठीक है। तो यहाँ तक फर्स्ट पैसेज समझ में आ गया, चलिए अब इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश भी देखते हैं और इंग्लिश टू हिंदी भी। अब आपको करना क्या है, जो इंग्लिश टू इंग्लिश होते हैं वो आपको याद करने होते हैं और इंग्लिश टू हिंदी जो होते हैं वो सिर्फ समझने के लिए होते हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। बट यू हैव टू मेमोराइज द वर्ड मीनिंग्स विच आर इंग्लिश टू इंग्लिश, जो आपकी बुक में दे रखे हैं। जैसे ऑलवेज, ऑन ऑल ओकेजन्स मतलब हमेशा, रिमेंड कंटिन्यू टू बी मतलब किसी एक स्थिति में बहुत समय तक रहना, टॉर्च बियरर मतलब लीडर, पथ प्रदर्शक जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्ट्राइविंग का मतलब होता है अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना या एफर्ट्स दिखाना, किसी चीज़ को करके देखना, ठीक है। वेयर एज का मतलब होता है जबकि, यानी कंसीडरिंग डेट। वर्शिपर्स कौन होते हैं, वर्शिपर्स दोजू प्रे यानी वो लोग जो प्रार्थना करते हैं या पूजा करते हैं। फेमस कौन होते हैं, रिनाउंड यानी कि डिस्टिंग्विश्ड या वेल नोन मतलब ऐसे लोग जो नामी हैं, प्रसिद्ध हैं बहुत ज़्यादा, उनको क्या बोलते हैं, फेमस। सो दीज आर द वर्ड मीनिंग्स ऑफ इंग्लिश टू इंग्लिश, जो हार्ड वर्ड्स थे इसमें। चलिए आइए अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं जल्दी से। वॉट रोल इज ऑलवेज प्लेड बाय इंडिया, मैंने आर कंट्री हटा दिया, इंडिया कर दिया है, ठीक है। तो हमारे देश के द्वारा क्या भूमिका निभाई गई है, ये एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको नीचे दे रखा है। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ टॉर्च बियरर फॉर द एंटायर वर्ल्ड, यानी जो हमारा देश है वो हमेशा से कैसा रोल प्ले करता है, एक लीडर का रोल प्ले करता है पूरे दुनिया के अंदर। एंटायर का मतलब होता है पूरी की पूरी दुनिया, ठीक है, एंटायर वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्रिएटिव प्रैक्टिस इज़ द वर्ल्ड बिजी टुडे, यानी जो पूरी दुनिया है वो किस में बिजी है, किस में व्यस्त है आजकल, वो व्यस्त है प्रकृति को बचाने के लिए। देखिए लिखा हुआ है, द वर्ल्ड इज़ बिजी टुडे स्ट्राइविंग हार्ड टू सेव द नेचर, यानी कोशिशों में लगे हुए हैं कि कैसे नेचर को बचाया जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजीज इतनी बढ़ गई हैं, पॉल्यूशन हो गया है तो नेचर को हानि पहुँच रही है, तो उसको बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नेचर रहेगा तभी हम रह पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे अगर नेचर नहीं रहेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैव वर्शिप्ड द ट्रीज सिंस एजेस, कौन पूजा पाठ करते हैं, आपने देखा है देश और जो देश हैं उनमें और लोग होते हैं, फॉरनर्स होते हैं, वो तो पूजा पाठ नहीं करते हैं पेड़ पौधों की, लेकिन हमारा जो देश है वो तो वृक्षों की और पौधों की पूजा करता है। तो आंसर क्या है, इंडियंस हैव वर्शिप्ड द ट्रीज सिंस एजेस, क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द स्टोरी, तो लोकेशन क्या है, खेजड़ली गांव है डिस्ट्रिक्ट जोधपुर में जो राजस्थान में है, तो वहां पर ये इसकी क्या है डिस्क्रिप्शन, दिस स्टोरी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ विलेज खेजड़ली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जोधपुर, ठीक है, क्लियर हो गए चारों। अब चलिए अब थोड़ा सा होमवर्क देख लेते हैं, बट बिफोर डैट आई वुड लाइक यू टू लुक एट द वर्ड मीनिंग्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए हार्ड वर्ड्स हैं, यूनिक का मतलब क्या होता है, एकमात्र, अनोखा, ठीक है। सेक्रीफाइस मीन्स त्याग, बलिदान करना या परित्याग करना। टॉर्च बियरर मीन्स पथ प्रदर्शक, लीडर जो होते हैं। स्ट्राइविंग का मतलब प्रयास। वेयर एस जबकि। वर्शिपर्स पूजा करने वाले, जो लोग पूजा करते हैं उनको बोलते हैं वर्शिपर्स। डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, जिला होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है, ये तो हमारा क्लास वर्क था ऑनलाइन क्लास के थ्रू, नाउ यू हैव टू कंप्लीट द होमवर्क वाइल सिटिंग एट होम, घर पे बैठ के आपको एक होमवर्क करना है, गृह का कार्य करना है आपको, ठीक है। अब होमवर्क में क्या क्या है देख लीजिए,
write the word meanings which have tick. याने बुक में अभी अभी मैंने आपको दिखाए कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जिस पे टिक लगा हुआ है. देखिए किस किस पे लगा हुआ है, टॉर्च बियरर, स्ट्राइविंग, वेयर एज, ये सब अभी हम आपको पिक भेज देंगे. तो जिस पे टिक लगा हुआ है ना, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो या वर्ड मीनिंग हो, उनको आपको नोटबुक में लिखना है. ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये तीन तो देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन वन का ए बी और क्वेश्चन टू का ए. सो ऑल दीज थ्री टू बी कम्प्लीटेड इन द नोटबुक. तो ये तीनों नोटबुक में लिखने हैं और ये सारे वर्ड मीनिंग्स जिस पे टिक हो रहा है ये आपके कॉपी में लिखे जाने हैं. ठीक है, और एक और क्वेश्चन है जो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसको भी यहाँ देख लेते हैं. देखिए, वेयर इज खेजड़ली विलेज लोकेटेड. खेजड़ली विलेज इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट जोधपुर. ठीक है, ये पूरा आपको ये एक क्वेश्चन हो गया और तीन क्वेश्चंस यहाँ थे, ये चार क्वेश्चंस और ये टिक लगे हुए वर्ड मीनिंग्स आपको रिटन में करने हैं और बाकी ऑल क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल वर्ड मीनिंग्स आपको मेमोराइज करने यानी लर्न करने, याद करने और इसको रीड करना दोबारा से. अभी हम इसकी पिक भेज दे रहे हैं आपके ग्रुप में. ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे. बाय बाय, टेक केयर, सी यू.